आपका हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पुनर्विचार याचिका जो अक्षर खारिज कर दी गई है, खारिज कर दी गई, आपने भी उम्मीद की थी? जी बिल्कुल उम्मीद था, क्योंकि 18 महीने पहले भी 3 की खारिज हो गई थी, उम्मीद था कि नहीं ये भी वो आज का उनकी खारिज हो गई, क्योंकि जो उन्होंने दलील दी थी तो कहीं ना कहीं ये समय खींचने के लिए दिया था और पूरे सिस्टम को उन्होंने एक लग रहा है 7 साल से जो वेट करते आते हैं तो सबर का फल मिला है, मीठा होता है। हाँ सबर का फल मीठा होता है, आज एक उम्मीद जगी है कि नहीं फैसले के नजदीक पहुंच गए हैं और अभी अभी सुनवाई है पटियाला कोर्ट हाउस में, तो उम्मीद करते हैं कि हाँ उनका डेथ वारंट जारी। एपीसी फिर से कह रहे हैं कि अब क्यूरेटिव डालेंगे, अब क्यूरेटिव का टाइम उन्होंने खो दिया है, क्योंकि एक महीना पहले ही जेल हथौटी ने उनको 7 दिन का नोटिस दिया था, तो उन्होंने उसमें ना डाल के उन्होंने अपना टाइम खो दिया। उनका कहना और करना Just two questions not more than तो यहाँ पर जो है निर्भया की जो माता हैं उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से अक्षय ठाकुर की पुनर्विचार याचिका जो खारिज हुई है और अब पटियाला हाउस कोर्ट में इस पर सुनवाई है, तो उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट से कुछ ऐसा फैसला आएगा जिससे 7 साल से जो उनका इंतजार चला रहा है उसका जो है एक विराम लगेगा और निर्भया को उसका न्याय मिलेगा।